हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में लैंग्वेज स्किल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो चार हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स होते हैं LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो लैंग्वेज स्किल्स हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इन्हें हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। आज हम बात करेंगे इनके डिटेल में। LSRW का नॉर्मल मीनिंग हम सभी को पता है, लिसनिंग यानी होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और जो राइटिंग है इसका मतलब होता है लिखना। ये जनरल मीनिंग जो है हम सभी को पता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसके लिए ध्यान रखें। जो लिसनिंग है इसे हम लैंग्वेज का सिमेंटिंग एस्पेक्ट कहते हैं ऑफ अ लैंग्वेज। ये आप लोग ध्यान रखें कि जो लिसनिंग है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का। इसके बाद जो हमारे पास स्पीकिंग है, ये स्पीकिंग लैंग्वेज का एक फोनेटिक एस्पेक्ट होता है। इन सभी का मीनिंग मैं आपको वन बाय वन अच्छी तरह से बताऊंगी। आप ध्यान रखें कि स्पीकिंग जो है यह फोनेटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। जो रीडिंग है यह होता है फोनेटिक कम ग्राफिक, और जो लास्ट है हमारे पास राइटिंग, ये ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। ये आप लोग ध्यान रखें ऑफ अ लैंग्वेज। ये चारों एस्पेक्ट जो लैंग्वेज स्किल्स के हमने लिखे हुए हैं, सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और ग्राफिक एस्पेक्ट, इनको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी कोई बातें जिनका कि कुछ अर्थ निकलता हो, यानी कि मीनिंगफुल जो बातें हैं वो। तो यदि हम कोई बात लिसन करते हैं, सुनते हैं किसी भी चीज़ को, उसका एक मीनिंग हम लोग हमेशा ग्रहण करते हैं, इसलिए लिसनिंग को हम सिमेंटिक एस्पेक्ट कहते हैं। इसके बाद स्पीकिंग है, इसको हम फोनेटिक एस्पेक्ट कहते हैं। फोन का मतलब होता है वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं, तो स्पीकिंग से आप याद रखें फोनेटिक एस्पेक्ट। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इस तरह से। फ़ोन से आप याद रखें बोलने से, यानी कि कुछ वर्ड्स लेटर्स जो हम बोलते हैं वो। इसके बाद है रीडिंग। रीडिंग होता है फोनेटिक कम ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है लिखी हुई साइन, वर्ड्स, लेटर्स जो भी लिखे हुए हैं उनको पढ़ना, यानी कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं ग्राफ के फॉर्म में हैं उनको फोनेटिक फॉर्म में यानी कि बोलना, यानी कि पढ़ना। इसलिए लिखी हुई चीज़ों को बोलने से मीनिंग होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना। इसके बाद जो राइटिंग है, राइटिंग होता है ग्राफिक एस्पेक्ट, यानी कि जो भी साइन है या फिर कोई लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लिखे हुए फॉर्म में रहती हैं उसको हम राइटिंग कहते हैं। तो इस तरह से चारों एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज स्किल्स के, हमने उनको समझा है। आप लोग नॉर्मली सिंपल वर्ड्स याद रख सकते हैं कि यहाँ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मीनिंग निकलता हो, यानी कि मीनिंगफुल जो बातें हैं वो सभी सिमेंटिक एस्पेक्ट हैं। फोनेटिक का मतलब हो गया बोलने से, फोनेटिक कम ग्राफिक का मीनिंग हो गया लिखे हुए को पढ़ने से, लिखे हुए को पढ़ने से इसे हम रीडिंग कहेंगे। और जो ग्राफिक एस्पेक्ट है यानी कि लिखा हुआ, एस्पेक्ट यानी होता है पहलू। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, लिसनिंग होता है सिमेंटिक पहलू होता है यानी कि अर्थपूर्ण एक पहलू है, स्पीकिंग बोलने का पहलू है भाषा का, जो रीडिंग है वो पढ़ने का पहलू है यानी कि लिखी हुई चीज़ों को भाषा देने का पहलू है, और जो राइटिंग है वो किन्हीं भी वर्ड्स को या लेटर्स को या साइंस को लिखने का पहलू है। इस तरह से ये चारों लैंग्वेज स्किल को हमने एस्पेक्ट के फॉर्म में देख लिया है। अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर लैंग्वेज स्किल जो है हमारे पास चारों, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज स्किल से, जो कि हमारे पास लिसनिंग। तो ध्यान रखें, ये फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है लिसनिंग। तो कोई भी बात जब हम सुनते हैं तो उसको कहने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है, यानी सेंडर होता है, एक मैसेज होता है या एक बात होती है जिसे वो व्यक्ति कह रहा है, और एक कोई ना कोई रिसीवर होगा यानी कि सुनने वाला, यानी बोलने वाला और सुनने वाला। तो इस तरह से जो लिसनिंग स्किल है ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है तीन लोगों को, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। तो कोई भी स्पीच है, रिदम है, यानी प्रोनाउंसिएशन, ये सारे जो बातें हैं ये ओरल इनपुट जो होते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं ओरल इनपुट हैं, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें? लिसनिंग स्किल में। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, एक लिसनिंग का अप्रोप्रिएट मैनर होता है,
बातों को डिकोड करने का एक तरीका होता है। जैसे हम बच्चों से बातें करते हैं या पढ़ाई के अलावा अगर हम कुछ उनको मैसेज दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्हें बच्चा ध्यान से सुन पाए, उनका मीनिंग सही मीनिंग निकाल पाए। ऐसा ना हो मैसेज कुछ हो और उसका कुछ और मीनिंग वो रिसीव कर ले। तो एक मैनर होता है सुनने का भी, तो वो सबसे पहले इसलिए हम जो हमारे पास सिक्वेंस होता है एल एस आर डब्ल्यू, तो सबसे पहले हम जो लिसनिंग है इसको ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं। यानी जब बच्चा अच्छी तरह से सुन पाएगा तभी वह अच्छे से बोल पाएगा और फिर वो पढ़ पाएगा और लिख भी पाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, जो लिसनिंग है इसकी प्रोसेस है वो एक एप्रोप्रिएट मैनर में होती है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज स्किल है उसका नाम है स्पीकिंग। आप लोग ध्यान रखें, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने से, जैसे हमने अभी देखा ये एक फोनेटिक एस्पेक्ट होता है, स्पीकिंग फोनेटिक एस्पेक्ट होता है। और जो हमने कल क्लासिफिकेशन देखे थे उसमें भी हमने देखा था कि ये एक प्रोडक्टिव जो होता है मोड होता है। आप लोग ऐसे ध्यान रख लें कि जो स्पीकिंग है ये क्या है, एक प्रोडक्टिव या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेसिव वे होता है, यानी कि अपने बातों को, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक वे होता है। तो प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव इन ओरल मोड, आप लोग ध्यान रखें ओरल मोड, ये ध्यान रखें। ये ओरल मोड कहने से है और ये ओरल इनपुट से, मतलब है कोई भी मैसेज या प्रोनंसिएशन जो व्यक्ति सामने वाला बातें कर रहा है उससे बात की गई। ये इस ओरल और ये ओरल इनपुट दोनों का अलग अलग मतलब होता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखें जो हमारे पास ये स्पीकिंग स्किल जो हमने बात की है कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव मोड है लैंग्वेज का, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखें कि इसमें स्पीकिंग की सिचुएशंस होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं, सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति बातें करता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं थ्री टाइप्स जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इंटरेक्टिव में क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में आमने सामने लोग होते हैं। जो नॉन इंटरेक्टिव है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, आमने सामने व्यक्ति नहीं होता है, जैसे टीवी या जो न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ होती है, रेडियो, इस तरीके के ये नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, इसमें आमने सामने व्यक्ति नहीं होता है। और जो पार्शियली इंटरेक्टिव है इसमें क्या होता है, जैसे ऑनलाइन स्टडी एक इसका एक अच्छा मोड है, एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या होता है कि व्यक्ति आमने सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ़ोन पर या फिर किसी और माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये थे हमने लैंग्वेज के जो सेकेंड स्पीकिंग स्किल थी उसकी सिचुएशन को हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है थर्ड लैंग्वेज स्किल जिसका नाम है रीडिंग। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये क्या होता है, एक रिसेप्टिव स्किल है। यदि आपने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसे नहीं देखा हो जिसमें हमने लैंग्वेज स्किल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को यदि कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि रिसेप्टिव क्या है, प्रोडक्टिव क्या है, हम इनको इस तरह से क्यों नाम दे रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप लोग याद रखें जो रीडिंग होता है ये क्या होता है, एक रिसेप्टिव स्किल होता है इन रिटन फॉर्म, यानी जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उनको इसमें पढ़ा जाता है, आप लोग ये ध्यान रखें। तो जो रीडिंग है इसके भी टाइप्स होते हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में टाइप्स बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रख लें। टाइप्स जैसे एक होता है लाउड रीडिंग, यानी जो बच्चा तेज तेज पढ़ता है, जैसे छोटी क्लासेस होती है उसमें जब बच्चा पढ़ना सीखता है तब इस लाउड रीडिंग जो है इस तरीके का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है ये होता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको पढ़ता है, यानी कि मीनिंग उसका अच्छी तरीके से वो समझ पाता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है साइलेंट स्किल में, यानी मौन पठन में बच्चा कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाता है। इसके अलावा यदि आप लोग और डिटेल में देखेंगे आगे, तो जो रीडिंग स्किल है इसका और भी एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव, ये दोनों रीडिंग के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इंटेंसिव रीडिंग होता है इसमें गहन यानी कि डीप स्पेसिफिक नॉलेज के लिए व्यक्ति उसको पढ़ता है, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखें कि गहन अध्ययन होता है और साथ ही साथ उसकी जो एक्टिव जो वोकैबुलरी होती है उसका यहाँ से विकास होता है। आप लोग ध्यान रखें कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इंटेंसिव जो रीडिंग होती है उसे किस तरह की वोकैबुलरी विकसित होती है, तो जो हमारे पास एक्टिव वोकैब है या एक्टिव वोकैबुलरी है वो यहाँ से विकसित होती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखें जो इंटेंसिव है इसमें पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि व्यक्ति स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसको ग्रहण कर रहा है, यानी कि गहन अध्ययन कर रहा है, डीप स्टडी कर रहा है, तो इसको पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो स्लो होता है।
ताकि अच्छे तरीके से उसका अर्थ ग्रहण किया जा सके। जबकि अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, पढ़ने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, व्यक्ति जो होता है रीडर होता है वो स्पीड में पढ़ता है। साथ ही साथ एक्सटेंसिव रीडिंग को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो अपने इन्जॉय के लिए इसको पढ़ता है, यानी इन्जॉय के लिए इस तरह की रीडिंग की जाती है। और साथ ही साथ इसमें पेसिव जो हमारी वोक्यूबलरी है, पेसिव वोक्यूबलरी का यहाँ से विकास होता है। यानी कि आप यही ध्यान रखें पैसिव वोक्यूबलरी होती क्या है, पैसिव वोक्यूबलरी होती है जिनका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो वोक्यूबलरी है, जो हमारे पास शब्द भंडार होता है वो होता तो काफ़ी है, लेकिन यदि हम डेली यूज़ की बात करें तो डेली में हम इन शब्दों का जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जबकि उनका मीनिंग हमें पता है, वो वर्ड्स का नॉलेज हमें है, लेकिन रोज़ की बातों में दैनिक जो हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें वो यूज़ नहीं होते हैं, तो ऐसे सारी वोक्यूबलरी, ऐसे सारे वर्ड्स पेसिव वोक्यूबलरी में आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप लोग देखें तो इंटेंसिव रीडिंग में आप लोग ध्यान रखें कि जब गहन अध्ययन किया जाता है स्पीड थोड़ी स्लो होती है, एक्टिव वोक्यूबलरी का विकास होता है और साथ ही साथ स्पेसिफिक नॉलेज को व्यक्ति ग्रहण करता है, तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। और जो एक्सटेंसिव है इसमें स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, इन्जॉय के लिए व्यक्ति इसको इस तरह की रीडिंग को करता है और साथ ही साथ जो पेसिव वोक्यूबलरी है उसका विकास होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट जो लैंग्वेज स्किल हमारे पास वो है राइटिंग। राइटिंग स्किल है ये लर्नर को इनेबल करती है, आप लोग ऐसे ध्यान रखें, यानी कि समर्थ बनाती है, इनेबल लर्नर टू। आप किस चीज़ के लिए समर्थ बनाती है, जब बच्चा या जब कोई व्यक्ति लिखना सीखता है, जो राइटिंग स्किल है उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति समर्थ हो पाता है अपने ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विचार अपने माइंड में ला पाता है। इसके अलावा जो भी उसके आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उन्हें वो यहाँ पे प्रेजेंट कर पाता है। इसके अलावा वो जो अलग जो अनदर जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाता है, और जो ड्राफ्ट है किसी चीज़ का उसे बनाना है वो भी, या जो एडिटिंग का काम होता है वो भी यहाँ राइटिंग से व्यक्ति कर पाता है। एक जो मैंने कहा था अभी, ऑर्गेनाइज कर पाता है अदर चीज़ों को और साथ ही साथ रिवाइज कर पाता है अपने कार्य को। आप लोग ध्यान रख लें कि जो भी उसने स्टडी कर रखी है, सुन रखी है कुछ बातों को, उन सभी को वो अच्छी तरह से रिवाइज कर पाता है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें राइटिंग स्किल है ये फोर्थ एंड लास्ट स्किल होती है। इसमें ये एक प्रोडक्टिव स्किल होती है, इसमें व्यक्ति अपने विचारों को या फिर जो उसका ड्राफ्ट है, ब्रेन स्ट्रोमिंग, उनके माइंड में जो भी जितने भी वो सोच विचार कर रहा है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। ये एक ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। इसके अलावा आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, एक वर्ड है जो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को आता है, राइटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक जो टर्म है आप लोग ये याद रख लें, स्क्रिबलिंग। एक होता है स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग क्या होता है, ये एक स्टेज होता है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ राइटिंग। यानी कि जब बच्चा लिखना शुरू ही करता है तो इस तरह से लाइंस खींचता है, ऐसे आड़ा टेढ़ा जो वो लिखता है, ये एक ये सब स्क्रिबलिंग कहलाता है, यानी कि जो लिखना है उसी एक स्टेज होती है। स्क्रिबलिंग के अलावा और भी आपने वर्ड्स देखे होंगे, सुने होंगे, या यदि आपने कोई टीचिंग एग्जाम्स दिया है तो उसमें भी देखे होंगे, ये जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग के अलावा जो हमारे पास एक है वो होता है स्कैनिंग। तो ये जो स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, या इसके अलावा यदि हम बात करते हैं प्रीव्यूइंग की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी सब स्किल होती है। क्या होती हैं, सब स्किल होती हैं किसकी, रीडिंग की। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव जो रीडिंग है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से जो रीडिंग है इसकी सब स्किल्स हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्रीव्यूइंग, इसके अलावा एक दो और भी सब स्किल्स होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। आप लोग यहाँ पे अभी यहाँ तक ध्यान रखें, स्क्रिबलिंग क्या होता है, यह राइटिंग की एक स्टेज होती है, जब बच्चा लिखना जस्ट स्टार्ट ही करता है तब ये स्टेज उसके जीवन में आती है। तो यदि आपको इस वीडियो से इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मिले हों, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।